खुर्सीपार थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने दुर्ग सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। खुर्सीपार थाना अंतर्गत सोमवार की रात को घर में घुसकर मारपीट किए जाने वाले मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरतने से नाराज सैकड़ों अधिवक्ताओं ने मंगलवार की शाम को कोर्ट से बाहर निकलकर रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इससे लगभग एक घंटे तक मुख्य मार्ग जाम रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित अधिवक्ताओं को आश्वस्त कराया। साथ ही आरोपी पक्ष पर धारा 452 समायोजित की जाएगी एवं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। इसके बाद आश्वासन मिलने के बाद सभी अधिवक्ता वापस हो गए। बता दें, सोमवार की रात अधिवक्ता टीएल चौधरी के निवास जोन 2 हुर्सीपार हनुमान मंदिर के सामने नारायण एवं उसके 3-4 साथियों ने मिलकर घर में घुसकर गाली गलौज की और टीएल चौधरी एवं उसके बेटे अभिषेक के साथ मारपीट की। इसके बाद घर के अन्य लोग जब एकत्र होने लगे तो आरोपी वहां से भाग निकले। इस लड़ाई में प्रार्थी एवं उसके बेटे को चोटें आई है। प्रार्थी ने तुरंत 112 फोन लगाकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद अधिवक्ता टीएल चौधरी ने बताया कि उन्हें सुबह थाने में एफआईआर दर्ज करने बुलाया गया था। पुलिस ने दूसरे पक्ष का एफआईआर दर्ज कर लिया और उनके एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की, जिसे नाराज अधिवक्ता संघ ने जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन, सचिव रविशंकर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान आवागमन बाधित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और साथ ही आश्वासन के बाद अधिवक्ता अपने अपने काम पर लौटे। वो मेरे यहाँ क्या दो बजे रात को बच्चे खत्म हो गए थे, उसको दफनाने के लिए मैं अपने घर में मजदूर बुलाया था। साइकिलों लोग रख दिए थे उसके घर के साइड में, बस उसी बात से लेकर और मंदिर बना है। मंदिर का मामला तो बहुत पहले से उठ रहे हैं, उनके मुसलमान लड़का है फिरोज अंसारी करके, उन्होंने भी ईंटें लेके मेरे सर पे मार दिया। और बीच बचाव में आया ना बच्चे, मेरी मिसेज भी वो है, वकील है, वो भी आए तो उसको ही पकड़ लिया थी उसकी माँ। मैं सुभाष नगर दुर्ग में रहता हूँ, मोहन नगर थाने के उसमें चौकी थाना आता है, पद्मापुर चौकी, बस कंप्लेन किया हूँ मैं उसको। तो मेरे विरुद्ध वो लोग काउंटर से बना रहे थे पुलिस वाले। फिर मैं और बताया ना तो बोले कि नहीं, बोले कि बनाएंगे और आपके खिलाफ नहीं बनाएंगे ऐसा करके। तो सचिव महोदय भी बताया था, वो लोग भी रह गए थे रात को। हमारे घर में जो है हमारे बच्चे के साथ मारपीट किए लोग, घर में के अंदर घुसकर, और मारपीट करने के बाद हम लोगों ने 112 बुलाई और थाने में गए। बच्चे का मुलायजा होगा, सब कुछ होने के बाद पुलिस जो है पुलिस को शिकायत लिखित दिए। अब शिकायत देने के बाद जो है सवेरे जो है वो हमको बुलाए वो कि एफआईआर करने के लिए, तो हमारे खिलाफ़ ही विरोधी पक्ष से एफआईआर कर लिए 294-323 वगैरह में। और हमने जो आवेदन दिया उनके घर में घुस के मारपीट किया, उस आवेदन पे एफआईआर नहीं कर रहे हैं, अपने मर्जी से एफआईआर कर रहे हैं कि घर के बाहर मारपीट हुआ है, घर के अंदर नहीं हुआ है। ये खुर्सीपार थाने का, और बोल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज मिलेगा तब करेंगे। सीसीटीवी फुटेज पे आज के युग में है और नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है? तो ये पुलिस जानबूझ करके जो है वो नेताओं के कहने पर प्रभाव में आकर, हाँ नहीं, थाने में तो कांग्रेस के नेताओं का फोन जा रहा है और नेतागिरी करके ही वो इस तरह करके ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और हमारी शिकायत के अनुसार ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। अपनी मर्जी से लिखे थे, हम लोग थाने गए थे और हम लोगों ने उस पर बोला भाई हमारे अनुसार तो आपने लिखा नहीं जो हमने आवेदन दिया है, इसलिए हम इस पर एफआईआर पे दस्तखत नहीं करेंगे। हम दस्तखत नहीं किए और आगे फिर यहाँ पे कलेक्ट्रेट में SP CSP उच्च अधिकारी को अभी शिकायत दिए हैं कि भाई हमारे जो आवेदन पूर्व में हमने दिया था 3-4 की रात को, उसी को जेल करके आवेदन पे ही एफआईआर किया जाए। तो ये बदल रहे हैं, उसमें से काट छाट करके कर रहे हैं, उनको अभियुक्तों को बचाने के चक्कर में उसको काट छाट कर रहे हैं, बस इतना सा मामला। ये चक्कर जाम ने अपना एक विरोध प्रकट किया था कि उनके बार का एक अधिवक्ता है जिनके साथ आपस में दो लोग की लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें उनका बात था कि उनकी बात थाने के द्वारा उनको जो बताया गया था वो सुना नहीं जा रहा है, तो उन्होंने अपनी बात बताई है, उनकी बात को सुना गया है, अब इसमें आगे थाने के द्वारा विचार करने के लिए उनको बोला जाएगा। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।